हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने निकाले हैं, और उन यूनिवर्सिटी ने जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो नोटिफिकेशन है उसे निकाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मेरठ में प्रेजेंट है। अब देखिए, इसमें जो लास्ट डेट उन्होंने मेंशन कर रखी है वो 14 अक्टूबर है, ठीक है। अब इसमें जो टीचिंग पोस्ट निकाली गई वो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, एट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने नेम और पोस्ट भी मेंशन कर रखा है, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखा है, और कौन कौन उसकी कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट साइंस, तो यहाँ पे एक वैकेंसी और जो यहाँ पे वन वैकेंसी वो अनरिजर्व है, ठीक है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी प्लांट माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसमें वन जो नंबर ऑफ पोस्ट है और ये जो वन पोस्ट है वो रिजर्व है एससी के लिए। तो ऐसे करके देखिए, आप यहाँ पे जो नंबर नेम ऑफ पोस्ट भी देख सकते हैं, साथ ही टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी, और जो वैकेंसीज है कौन कौन सी कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पे स्केल भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रोफेसर के लिए 1,44,200 का पे स्केल है, एसोसिएट के लिए 1,31,400 का है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 के लिए है। अब इन्होंने क्वालिफिकेशन भी दे रखी कि आप जो है प्रोफेसर के लिए आपको एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए, हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ आपको 10 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, विद अ पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और जो मास्टर आपका होना चाहिए वो 55% मार्क्स के साथ ही होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी टीचिंग या रिसर्च का होना चाहिए। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट, सीएसआई नेट या आईसीआर नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे पीएचडी है तो ये आपके लिए और प्लस पॉइंट मिलेगा, आपको यहाँ प्रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपके पब्लिकेशन है तब भी यहाँ पे आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी थी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एलिजिबिलिटी भी यहाँ मेंशन कर रखी है, देखिए कि यहाँ पे दे रखा है, सपोज अगर आप जो है प्रोफेसर के अप्लाई कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप आर्किटेक्चर के लिए, तो आपको यहाँ पे मास्टर और पीएचडी इन्हीं सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन उसे कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये सब चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिफोर अप्लाई करने से पहले आप जो एडवर्टाइजमेंट, इसे एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजिशन। तो देखिए, यहाँ पे जो है टीचिंग पोजिशन दे रखी है डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब देखिए, ओपनिंग डेट जो है वो 7 सितंबर को स्टार्ट हो गया था, और जो लास्ट डेट यहाँ पे है वो है 6 अक्टूबर 2020, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को और आपकी जो टेस्टिमोनियल्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ सेंड करता है बिफोर 15 अक्टूबर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो टीचिंग पोजिशन है वो प्रोफेसर के लिए भी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए है, और जो पोस्टें भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, देखिए प्रोफेसर के 22 पोस्ट है, एसोसिएट के लिए 41 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। वह एकेडमिक पे लेवल भी आपको यहाँ पे मेट्रिक्स भी यहाँ पे दे रखा है, और साथ ही साथ देखिए आप जो डिटेल है टीचिंग पोजिशन में वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखें तो यहाँ पे एक एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए जिसकी जो टोटल पोस्ट है वो 2 है, और कैटेगरी भी यहाँ पे दे रखी है, ओबीसी में 1 है और 1 एसटी में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी जो है वो भी यहाँ पे क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखी है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पे मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो तो वहां पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पूरा इन्होंने बोल रखा है, सारी डिटेल दे रखी है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज, ठीक है। वहीं नॉन रिफंडेबल, और जो ये फी रहेगी ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपीज, और ये भी जो फी है वो नॉन रिफंडेबल ही रहेगी, ठीक है। और जो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है IGNTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और यहाँ पे आपको जो सोचने देखने वाली बात है वो है यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी जो भेजनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की ऑन या बिफोर 15 अक्टूबर 2020 बाई स्पीड और रजिस्टर्ड पोर्ट, ओके। के साथ आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है, प्रूफ ऑफ एज भेजना है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट, प्रूफ ऑफ एपीआई यानी कि एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फी का जो डिटेल है वो भी यहाँ पे आपको सेंड करना है, साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म सेंड करना है, एनओसी सेंड करना है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी वो सेंड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट सैलरी स्लिप अलोंग विद प्रूफ ऑफ रेगुलर स्केल और पे प्रूफ अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो, ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको वो सेंड करने हैं बिफोर 15 अक्टूबर 2020, और एड्रेस भी दे रखा है टू द रिक्रूटमेंट सेल, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, लालपुर अमरकंटक अनूपपुर, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अब हम देख लेते हैं एक और नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया ये मिप्स रायगेड़ा में, ठीक है। तो ये मिप्स जो है इसे इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी रायगेड़ा, इट हैज बीन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस सिंस 2002। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो प्रोफेसर के लिए निकाली गई है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे तीनों प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी वो निकाली गई है। सब्जेक्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रो इकोनॉमिक्स, एग्री टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है यहाँ पे जो पोजीशन है वो निकाली गई है। इसके साथ ही इन्होंने मेंशन कर रहा है रिटायर्ड प्रोफेसर साइंटिस्ट कैन आल्सो अप्लाई फॉर विजिटिंग प्रोफेसर, ओके। तो अगर यहाँ पे कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है और जो साइंटिस्ट है वो एज अ विजिटिंग प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन एज पर आईसीआर नॉर्म्स यानी कि यहाँ पे जो है आईसीआर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेम सब्जेक्ट में आपका एमएससी होना चाहिए या पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे सीएसआईआर हो, चाहे आईसीआर नेट हो, और ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन किया एज पर आईसीआर फॉर्म नॉर्म जो मैंने आपको भेज बता दिया। इसके साथ जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद देयर सीवी एंड टेस्टिमोनियल, इसके साथ आपको क्या करना है, आपको अपना सीवी अटैच करना है, और जो टेस्टिमोनियल है जो मार्कशीट आपकी है 10, 12 बीएससी एमएससी या नेट का सर्टिफिकेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है अगर आपको, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा बिफोर 20 सितंबर, ठीक है। तो बिफोर 20 सितंबर जो है आपको ये जो है इसे आपको भेजना पड़ेगा बाई मेल ओनली, आपको यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, आपको सॉफ्ट कॉपी ही भेजनी है, तो टू कैरियर एट दी रेट मिप्स डॉट एडीयू डॉट इन पर। तो सीवी के साथ आपका जो भी सर्टिफिकेट है टेस्टिमोनियल्स है उसे आपको भेजना है बिफोर 20 सितंबर। तो मेरा एक छोटा सा नोटिफिकेशन वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे जो है परमानेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो निकाली गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।